हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24 और 25 की आईटीआर काफ़ी सारे लोगों ने फाइल कर दी है। कुछ लोगों की आईटीआर तो प्रोसेस भी हो गई है, लेकिन कुछ लोगों की अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। तो दोस्तों, लोग इनकम टैक्स रिफंड के इंतज़ार में अभी तक बैठे हुए हैं कि उनके बैंक अकाउंट में TDS का रिफंड कब क्रेडिट होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना रिफंड का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। आपकी आईटीआर यदि प्रोसेस हो चुकी है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड अभी तक नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। और आपका TDS रिफंड नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए क्या स्टेप ले सकते हैं, उन सब बातों के ऊपर आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आप प्लीज इसको अंत तक जरूर वॉच करिएगा। तो सबसे पहले तो हम इस पूरे कंप्लीट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो TDS का जो रिफंड होता है, जो आपके बैंक अकाउंट में आता है, ये कुछ स्टेज से होकर के गुजरता है। तो दोस्तों, यहाँ पे वन बाय वन करके सबसे पहला तो स्टेज होता है, आप सभी जानते हैं कि आपको अपनी ITR सबमिट करनी पड़ती है, साथ में उसको ई वेरीफाई भी करनी होती है। ITR ई वेरीफाई होने के बाद CPC बेंगलोर यूनिट को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए सेंड की जाती है। आपके ITR में दी गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है, इनकम है, डिडक्शन है, एग्जेम्पशंस है, उसका प्रॉपर तरीके से जांच पड़ताल होता है और लगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि ये सब कुछ सही है, तो आपकी ITR को यो प्रोसेसिंग कर देता है। और ITR जब आपकी प्रोसेस होती है दोस्तों, तो आपके ईमेल ID पे एक इंटीमेशन लेटर रिसीव होता है सेक्शन 143(1) में। और इंटीमेशन लेटर भी आपको तीन तरीके से इशू होता है। सबसे पहला जो इशू होता है डिमांड का, मतलब कि आपने ITR फॉर्म्स जो फिलअप करी है उसमें जो भी इनकम वगैरह दिखाई हुई है, आपके अनुसार तो लग रहा है कि मेरा रिफंड बन रहा है, लेकिन डिपार्टमेंट कभी कभी डिमांड का इंटीमेशन लेटर इशू कर देता है। दूसरा ये है कि आपका जो इंटीमेशन लेटर होगा वो रिफंड का होगा, कैसे आपको पहचानना है अभी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरा जो आता है इंटीमेशन लेटर, नो डिमांड और नो रिफंड का लेटर आपको रिसीव होता है। दोस्तों, इंटीमेशन लेटर जब आप ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन 143(1) इंटीमेशन लेटर लिखा रहता है। जब आप अपना इंटीमेशन लेटर ओपन करते हैं, यदि यहाँ पे रेड कलर शो करता है तो आप इसका मतलब समझिएगा कि यहाँ पे डिमांड लायबिलिटी लगाई गई है आपके ऊपर, मतलब कि आपको टैक्स का पेमेंट करना है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यू हैव ए डिमांड फॉर ₹67,000, मतलब इतना आपको अमाउंट पे करना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और जो दूसरा सिचुएशन होगा कि यदि आपका जो ITR प्रोसेस हुआ है, यदि वो रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ है, तो आपको ग्रीन कलर से दिखता है और यहां पे लिखा रहेगा यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 और यहां पे अमाउंट मेंशन रहेगा। तो दोस्तों, यदि आपकी ITR ग्रीन में प्रोसेस होती है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि आपको रिफंड जरूर इशू होगा। रेड में यदि इशू किया गया है तो फिर आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। और तीसरा जो आपको इंटीमेशन लेटर मिलता है वो मिलता है ब्लू कलर का। ब्लू कलर में यह लिखा रहता है कि आपकी ITR प्रोसेस तो हो चुकी है, देयर इज नो पेमेंट ड्यू, मतलब कि ना तो कोई पेमेंट ड्यू है, ना तो आपका कोई रिफंड यहां पे बनता है। तो ये जो ITR प्रोसेस हुई है, नो डिमांड नो रिफंड का हुआ है, ठीक। ये तीनों कलर से आप जो है इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस ITR को। तो यदि आपको इंटीमेशन लेटर ग्रीन में रिसीव हुआ, आपकी ITR रिफंड के साथ प्रोसेस हुई है, तो आपका जो रिफंड होगा वो रिफंड बैंकर को सेंड किया जाता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो रिफंड बैंकर है वो है SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही आपके बैंक अकाउंट में आपका TDS का रिफंड सेंड करता है। तो दोस्तों, आपका जो बैंक होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी आपका जो रिफंड है TDS का वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा। जो भी स्टेप मैंने आपको समझाया उसको आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे आकर के चेक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स यहाँ से मिल जाने वाली है। जैसे आप ई फाइल वाले सेक्शन में आएंगे, इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न व्यू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी असेसमेंट ईयर की ITR आप फाइल किए रहेंगे, जैसे मान लीजिए 24-25 की ITR आपने फाइल की, इसका स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिस्कस करें दोस्तों, यदि आपकी ITR सक्सेसफुली ई वेरीफाइड हो चुकी है लेकिन
क्या है कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके का स्टेटस दिखेगा अंडर प्रोसेसिंग का। लेकिन जैसे ही आपकी आईटीआर प्रोसेस हो जाती है तो यहाँ पे आपको स्टेटस दिखाता है प्रोसेस विथ नो डिमांड नो रिफंड, प्रोसेस विथ डिमांड प्रोसेस विथ रिफंड, इस तरीके से स्टेटस आपको चेक करना है। दोस्तों आपका जब आईटीआर प्रोसेस हो जाता है तो मैंने आपको बताया कि आपके बैंक अकाउंट में वो तभी क्रेडिट होगा जब आपका बैंक प्री वैलिडेटेड होगा। तो बैंक को प्री वैलिडेट यदि चेक करना है तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाएंगे माई प्रोफाइल वाले सेक्शन में, और यहाँ आने के बाद आपको यहाँ पे माई बैंक अकाउंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो स्टेटस है एलिजिबल फॉर रिफंड, ये साइन आपका टिक होना चाहिए। यदि ये साइन यहाँ पे टिक्ड है तो मतलब आपका ये बैंक अकाउंट TDS रिफंड को एक्सेप्ट करने के लिए एलिजिबल है, और यदि ये रेड में है तो फिर आपका जो TDS है, इवन कि आपकी ITR प्रोसेस भी हो जाती है रिफंड के साथ, तो आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं होगा जब तक कि ये आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं है। तो आपका TDS रिफंड आपके बैंक अकाउंट में इसलिए भी नहीं आता है कि आपकी ITR प्रोसेस नहीं हुई है। आपकी ITR जब तक प्रोसेस नहीं होगी तब तक आपके बैंक अकाउंट में TDS का रिफंड नहीं आएगा। लेकिन आपकी ITR प्रोसेस हो चुकी है फिर भी आपके बैंक अकाउंट में रिफंड नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब मैंने आपको बता दिया कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड नहीं हो सकता है। कुछ उसमें आपके नेम में कुछ दिक्कत हो सकती है, IFSC कोड गलत हो सकता है, अकाउंट नंबर गलत हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं दोस्तों जिसके वजह से कि आपका जो TDS रिफंड है आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। यहाँ पे ITR प्रोसेसिंग का डेट दिखता है कि किस डेट को आपकी ITR प्रोसेस हुई है रिफंड के साथ। तो दोस्तों जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 अगस्त दिख रहा है, ठीक है, 1 अगस्त को ITR प्रोसेस होती है, तो इस डेट से कितने दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आता है ये जो है आपको इंटीमेशन लेटर से ही पता लगेगा। तो आप इंटीमेशन लेटर अपना जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंटीमेशन। जिस डेट को आपको ये इंटीमेशन लेटर मिला है ग्रीन वाला, उस डेट से 15 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जो TDS का रिफंड है, यदि आपका सब कुछ ठीक ठाक है, बैंक वगैरह ठीक है, प्री वैलिडेटेड है, तो 15 दिन में आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे भी देखिए मेंशन है कि आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, दूसरा आपके पैन से भी लिंक होना चाहिए। यदि आपका कोई ऐसा बैंक अकाउंट है जिसमें कि आपका पैन लिंक नहीं है तो उस अकाउंट में आपका रिफंड नहीं जाएगा। अब कई बार ऐसा होता है कि लोगों की ITR तो प्रोसेस हो जाती है रिफंड के साथ प्रोसेस हो जाती है, लेकिन वो वेट कर रहे होते हैं, कहते हैं कि सर हमारा तो काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है क्योंकि पैसा बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, मेरे लिए दिक्कत है। तो दोस्तों आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जितना दिन भी डिले होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर इंटरेस्ट भी आपको पे करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यदि आपका रिफंड बन रहा है तो ये स्टेटस आप देखेंगे पॉइंट नंबर 17 पे कि आपका रिफंड बना लेट सपोज 20,570 और ये रिफंड इशू हो जाना चाहिए था टाइम लिमिट के अंदर, लेकिन रिफंड में डिले हो गया, तो डिपार्टमेंट क्या करता है सेक्शन 244A के तहत आपको इंटरेस्ट पे करता है। और इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है आप यहाँ पर देख सकते हो 0.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, इस हिसाब से आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके TDS रिफंड अमाउंट पे पेमेंट करता है। तो मतलब कि जो आप एक साल में FD पे जो इंटरेस्ट पाते हैं वही इंटरेस्ट आपको डिपार्टमेंट भी आपके उस TDS अमाउंट पे क्रेडिट करता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20,570 का रिफंड बना था लेकिन डिले हुआ, इसके वजह से डिपार्टमेंट इसमें 410 रुपीज़ का रिफंड इंटरेस्ट जो है क्रेडिट किया है, तो टोटल आपको यहाँ पे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो आपको बस ये है कि आपके ITR जो है ग्रीन कलर के साथ प्रोसेस होनी चाहिए, तब उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट होता है कि हम रिफंड स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं। तो सब पहले तो ये था कि आप NSDL की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे चेक करते थे, लेकिन अब ये जो दोस्तों अब आप NSDL पे नहीं चेक कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ये फैसिलिटी अब अवेलेबल नहीं है। तो पहले तो ये है कि आप जब अपना ये ITR प्रोसेसिंग का जब स्टेटस आप चेक करते हैं, जैसे आप यहाँ पर आएंगे ई फाइल वाले सेक्शन में आप आएंगे और इसके बाद फाइल व्यू फाइल रिटर्न्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ITR की स्टेटस पूरी दिख जाती है। तो यहाँ पे जो सबसे टॉप पे होता है प्रोसेस विथ रिफंड के साथ प्रोसेस हुआ है तो ये स्टेटस दिखता है, और यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है,
अब मान लीजिए कि आपने आपका ITR आज प्रोसेस हुआ, तो आप 2-3 दिन के बाद उस स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को ये ITR जो है सक्सेसफुली प्रोसेस्ड हुई थी, इसके बाद और 1 तारीख को ही यहाँ पे रिफंड का ऑर्डर निकल जाता है और उसके बाद इंटीमेशन यहाँ पे सेंड किया जाता है, ठीक है। और इसके बाद आपको इसका स्टेटस अब चेक करना है कि आपके बैंक अकाउंट में ये आया है कि नहीं आया, कब आएगा, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पोर्टल से ही चेक कर सकते हैं। सर्विसेज वाले सेक्शन में आप आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे तो नो योर रिफंड स्टेटस यहाँ पे दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर 24 और 25 सेलेक्ट करना है एंड देन आपको यहाँ पर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे ये आपके इनकम टैक्स रिफंड का स्टेटस बता देगा। यदि आपका रिफंड इशू हो चुका है तो यहाँ पर SBI UTR नंबर आपको मेंशन किया रहेगा कि आपका रिटर्न, आपका जो रिफंड है इस डेट को जो है सेंड किया गया है रिफंड बैंकर को, रिफंड बैंकर आपके बैंक अकाउंट में इस UTR नंबर के साथ में उसने प्रोसेस करा है। तो सारी डिटेल्स आपको बाकायदा यहाँ पे दिख जाती है और यहाँ पे डेट ऑफ स्टेटस भी आपको दिख जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका जो रिफंड है वो काफ़ी समय हो चुका है आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं हो रहा है, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन यहाँ पे बचता है कि आप अपने रिफंड के लिए कंप्लेंट डाल सकते हैं। सबसे पहला तो ये है कि आप SBI रिफंड बैंकर के टोल फ्री नंबर पे डायल करके आप अपना रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपका रिफंड कब इशू किया गया है, इशू हुआ है भी कि नहीं हुआ है, कब इशू होगा, ये सारी डिटेल्स आपको इस टोल फ्री नंबर से मिल जाएगी। और दूसरा ये है कि आप जो है इनकम टैक्स के पोर्टल पे इसका ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं कि आपकी ITR प्रोसेस हो चुके, इंटीमेशन लेटर भी रिसीव हो चुका है लेकिन बैंक में अभी तक रिफंड क्रेडिट नहीं हुआ है। तो ग्रीवेंस रेज करने के लिए आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर आना है, ग्रीवेंसेस वाले सेक्शन में सबमिट ग्रीवेंस पर आपको जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली ई फाइलिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको CPC ITR सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आप आएंगे तो इसमें रिफंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिया हुआ कि इंटीमेशन ऑर्डर रिसीव बट नो रिफंड रिसीव। इंटीमेशन लेटर तो आपको मिल चुका है सेक्शन 143(1) का ग्रीन वाला, लेकिन रिफंड अभी तक आपको इशू नहीं हुआ है। यदि आपका ये केस नहीं है और आप अदर रिफंड का भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आप इसका क्वेरी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो पहला वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे देन आपको कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे असेसमेंट ईयर 24 और 25 आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में आपको 2-3 लाइन जो लिखना है लिख सकते हैं कि आपकी ITR इस डेट को प्रोसेस हुई थी, उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर ये है, इंटीमेशन लेटर मुझे इस डेट को मिला था लेकिन मेरा अभी तक रिफंड नहीं आया है। इस तरीके से आप करके आप सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा और आपको इसका रिप्लाई भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप पूरी प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिफंड वगैरह को चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।